फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाने के अयार शाह कस्बे के पास सुबह सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बांदा सागर सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी स्थानीय ग्रामीणों ने शव उठाने से मना कर दिया, तब मजबूरन पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां भाजी। गुस्साए ग्रामीणों ने जवाबी कार्रवाई में ट्रक पर पथराव करके आगजनी की कोशिश की और ट्रक को क्षतिग्रस्त कर दिया। दिनांक 24 तारीख को 24 फरवरी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नदीम अंसारी ने महामहिम राष्ट्रपति श्री राम कोविंद जी के विरुद्ध बयान दिया था कि वो 7/3/2018 को यूनिवर्सिटी आ रहे हैं दीक्षांत समारोह में, जब उनके आने पर उनका काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। इसलिए आपने उनके खिलाफ क्या क्या मामला दर्ज कराया है? उनके खिलाफ दिया है राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, देश में विमनस्ता फैलाना इनका उद्देश्य है। देखिए हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, बता दें कि सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी और एक बाइक सवार युवक भी घायल हो गया था, जिसके बाद परिजन रोड पर जाम लगाकर मुआवजे की और आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि तभी पुलिस ने भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस के द्वारा किए गए लाठी चार्ज से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब देखना यह है कि मृत महिला और घायल हुए युवक को न्याय कितनी जल्दी मिल पाता है। पथ पर है वो कि जिनके विरुद्ध बोलना अपने आप में राष्ट्रद्रोह में आता है। नदीम अंसारी जी ने उनके खिलाफ अनर्गल बात बोलकर राष्ट्रद्रोह का काम किया है। उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखवाने के लिए यहाँ पर थाने